तुम न हम तुम रहे अब कुछ और ही हो गए अब सपनों के झिलमिल नगर में जाने कहाँ खो गए अब हमरा पूछे किसी से न तुम अपनी मंजिल बताओ बोल दो चुप न बैठो कोई गीत गाओ अब उन्हें मत बुलाओ दिल की ही रह छोड़ दो चुप न बैठो कोई गीत गाओ Dance beautifully. Thank you. Oh, will you have a drink? Yes, please. Two whiskeys large. ताजुब है. आप इतना अच्छा नाचते हैं, मगर. मगर क्या? आप पहले शिमला में थी ना? शिमला में? नहीं तो. अजीब बात है. मुझे ऐसा लगा कि मैं आपसे शिमला में मिला था, किसी पार्टी में. Oh no, आपको गलत फहमी होगी. May I have a cigarette, please? A cigarette. Thank you. Varuna, कहाँ चलो? ये क्या बदतमीजी है? Shut up, Varuna. Varuna कौन है? Dilip, who is this man? मैं कहता हूँ क्या? मैं कहता हूँ कहाँ चलो? तुम जाते हो या नहीं? तुम चुप रहो. ये मेरी बीवी है. बीवी? तुम्हारी? What nonsense! Dilip, मैंने तो शादी नहीं की. मैं कहता हूँ घर चलो. छोड़ मुझे. कहाँ गई? वो चली गई. छोड़िए सर, छोड़िए. अरे जाने दीजिए सर, जाने दीजिए. Mrs. Varuna Verma, 46 Lansdowne Road. Varuna? 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 कब उठाए पता ही नहीं चला. आंख खुली तो देखा बिस्तर पे नहीं हो. तुम तो कह रहे थे मैं बहुत देर तक सोऊंगा. शट अप. कौन हूं मैं? बताओ कौन हूं मैं? क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ. मैं पागल नहीं हो गया हूं, पूरे होश हवास में हूं. कौन हूं मैं? तुम कौन हूं मैं? मेरे पति हो. कल रात ये पति कहा था जब होटल में एक गैर आदमी के साथ तुम डांस कर रही थी, कह-कह लगा रही थी. उस वक्त ये पति पहचाना क्यों नहीं गया? क्या कह रहे हो? मैं डांस कर रही थी? जी हाँ. कल रात को? हाँ. कभी नहीं? कभी नहीं. नहीं, मैं तो तुम्हारे पास ही सो रही. फिर झूठ, बेशरम. जानती हो तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? जी चाहता है तुम्हें गोली से उड़ा दूं.
आइए आइए, तशरीफ लाइए। आप बड़े वक्त पर आ गए। तुम कहाँ जा रही हो? नहीं ठहरो मिस्टर वर्मा। कुछ कहने की जरूरत नहीं, जो कुछ जानना है वो मैं खुद पूछ लूंगा। इश्क में और जंग में डर कैसा? आप यकीन मानिए मैं सच कह रहा हूं। हाँ ये जरूर है कि शिमला में 5-6 साल पहले मिला था, लेकिन कभी बात नहीं हुई। और यहाँ कलकत्ते में कल रात पहली बार क्लब में मुलाकात हुई। ये झूठ है, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। मैं तो कल रात घर में सो रही थी, फिर आपसे कब मिली? ताजुब है, क्या आपने मुझे क्लब में कल रात नहीं देखा था? कौन से क्लब में? सपोज में। नहीं तो मेरे साथ आपने डांस किया था? नहीं तो मैंने किसी के साथ डांस नहीं किया। ये कौन है? आप ही बताइए। दिलीप है, मैंने आपसे बताया था। मिस्टर दिलीप। मैंने कभी नहीं देखा, मैंने किसी के साथ कभी। झूठ मत बोलो, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ मत बोलो। अब मैं कैसे यकीन दिलाऊं? मैं सच कहती हूँ, मैं रात को कहीं नहीं गई थी, मैंने इनके साथ डांस नहीं किया, मैं किसी को नहीं जानती। तुम क्यों नहीं मेरी बात के यकीन करते? अच्छा इससे अच्छा है कि तुम मुझे मार डालो, मार डालो, मुझे मार डालो, गोली मार डालो। तुमने अभी अभी जो कुछ कहा था वो सच है? बिल्कुल सच है मिस्टर वर्मा, बिल्कुल सच है। मैंने कोई डांस वांस नहीं किया। अच्छी तरह याद करके देखो, जरूर कुछ याद आ जाएगा। मुझे अच्छी तरह याद है, वो लोग सब झूठ बोलते हैं, मैं कहीं नहीं गई थी। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, उनकी भी गलती हो सकती है। हाँ तो मिस्टर प्रताप, आपको सर में दर्द होता है? जी हाँ। अच्छा तो अगर सर में दर्द होता है तो आप क्या करती हैं? एस्पिरिन लेके सो जाती हूँ। कल भी दर्द हुआ था? जी हाँ। तो फिर आपने क्या किया था? एस्पिरिन लेके सो गई थी। पेगी नाम की किसी लड़की को जानती हैं आप? जी नहीं। और गौर कीजिए, मेरा ख्याल है बचपन की कोई सहेली होगी, शायद आप उसे भूल चुकी हैं, जरा गौर कीजिए। मुझे कुछ याद नहीं आता डॉक्टर साहब। अच्छा शिमला आप कितने दिनों रहे? शिमला? मैं शिमला में कभी भी नहीं थी डॉक्टर साहब, न जाने ये लोग क्यों उल्टी सीधी बातें करते हैं, मैं तो शिमला में कभी गई भी नहीं, शिमला मैंने कभी देखा। प्रताप तुम्हारी बीवी का केस बड़ा उलझा हुआ मालूम होता है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस इंडीड, बड़ा पेचीदा केस। देखो भाई, रात को उसने होटल में अपना नाम पेगी बताया और तुम्हें नहीं पहचाना, सवेरे वो घर में वरुणा हो गई और दिलीप को नहीं पहचाना। अगर हम इन तमाम बातों को सही मान भी लें तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये क्यों और कब से? इसने डॉक्टर, इस सवाल का हल तभी हो सकता है जब वरुणा की पिछली जिंदगी के बारे में हमें सब कुछ मालूम हो जाए, और यहाँ दिक्कत यह है कि उसे पिछली जिंदगी की कोई बात याद नहीं। यहाँ तक डॉक्टर साहब कि उसे कुछ दिनों पहले की बात याद नहीं है, इट्स कंप्लीट एम्नेशिया। प्रताप तुम तो वरुणा के बारे में हमें जरूर कुछ ना कुछ बता सकते हो, जो कुछ भी याद हो बताओ। शादी से पहले तुम कहां मिले, कब मिले, शादी के बाद के वाकयात, वरुणा के बर्ताव में कोई तब्दीली, कोई खास बात? हाँ हाँ अच्छी तरह याद करके बताओ, छोटी छोटी बात हमारे लिए मददगार साबित हो सकती है। जी मुलाकात तो मेरी यूं हुई थी कि मैं बंबई से शिमला जा रहा था, शिमले के करीब पहुंचते ही मेरी गाड़ी में कुछ खराबी आ गई थी, शाम का वक्त था, सुनसान जगह थी। अंदर कोई है? अंदर कोई है? माली, माली। कौन? आप क्या चाहते? माफ कीजिएगा, रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई है। कुलियों ने कहा कि यहाँ से 10-12 मील के अंदर कोई बस्ती नहीं है, सिर्फ एक ठेकेदार साहब का ये बंगलो है, अगर वो चाहे तो रात बिताने के लिए आपको जगह दे सकते हैं। पापा तो जंगल में गए हुए हैं और हमारे पास सिर्फ दो ही कमरे हैं, एक में वो ताला लगा के गए हैं और दूसरे में मैं रहती हूँ। ओह अच्छा, माफ कीजिएगा। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं मजबूर हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं गाड़ी में रात बिता लूंगा।
सोचा आपने कुछ खाया तो होगा नहीं, थोड़ा बहुत खा लीजिए। आपने क्यों तकलीफ उठाई? लीजिए, तकलीफ कैसी, मेहमान को जगह तो दे ना सके, भूखा भी मार डालो। लेकिन यकीन कीजिए मुझे कतई भूख नहीं है। हाँ थोड़ी सी चाय मिल जाती तो। ये तो लीजिए, मैं चाय भी देती हूँ। मैं लेता हूँ मगर पहले चाय पीऊंगा। ये लीजिए चाय। शुक्रिया। आप इस रास्ते से कहाँ जा रहे थे? जी शिमला। सोचा था इस रास्ते से शॉर्टकट हो जाएगा लेकिन सफर और लंबा हो गया। अब जाने कब मैकेनिक आए, कब गाड़ी ठीक हो। आपके पिताजी नहीं आए? जी नहीं, अभी तक तो नहीं आए, आते ही होंगे। आपको इस तरह अकेले रहते हुए डर नहीं लगता? अब तो कुछ आदत सी हो गई है। क्या हुआ? लैंटर्न बुझ गई। घबराइए नहीं, मेरे पास टॉर्च है। चलिए मैं आपको घर तक पहुंचाता हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ करते हैं, जानी पहचानी जगह है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हैं आप, आपने मेरे लिए इतनी जहमत उठाई, मुझे भी तो कुछ खिदमत करने का मौका दीजिए। चलिए चलिए चलिए। थोड़ा बहुत गा लेती हूँ। सांप। ठहरिए, मैं मारता हूँ। नहीं नहीं, ये बहुत खतरनाक किस्म के सांप हैं, आप आहिस्ता से दरवाजा बंद कर लीजिए। मगर सांप तो अंदर ही रह गया। जी हाँ, रहने दीजिए, सुबह माली आके मार डालेगा। यानी कि अक्सर ऐसा होता है? क्यों नहीं, जंगल में ये कोई नई बात नहीं। माय गुडनेस, तो आप कहाँ सोएंगी? जी मैं, अब अंदर जाना तो मुश्किल है, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आप जाके सो जाइए, जब तक पापा आएंगे मैं यहीं कहीं बैठ जाऊंगी। ठहरी ठहरी जी, ये कैसे हो सकता है, आप अंधेरे में अकेली बैठ जाएंगी और मैं इत्मीनान से जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाऊंगा? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है, जब तक आपके पापा नहीं आते हैं। चलिए मैं आपको कंपनी देता हूँ। चलिए चलिए, फिक्र न कीजिए। चलिए आइए बैठिए। शुक्रिया। अरे आप इतने दूर जाके क्यों बैठी हैं? जी यूं ही। अब तक मैं अपने आप को एक शरीफ और नेक इंसान समझता था लेकिन आज आपने शक पैदा कर दिया। आप मुझसे डर रही हैं? जी नहीं तो, भला डरने की क्या बात है? डरने की बात तो है, सुनसान जगह, अंधेरी रात, एक अजनबी इंसान, डरना तो मुनासिब ही है। अब तक देखिए ना, अब तक हम एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते हैं। मेरा नाम प्रताप वर्मा, आपका? जी वरुणा। वरुणा देवी, आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, आप इत्मीनान से सो जाइए, मैं जागता हूँ। मुझसे ज्यादा आराम की जरूरत तो आपको है, दिन भर गाड़ी चलाते रहे हैं। दो दिन। आप सो जाइए ना, मैं बैठती हूँ, मुझे तो ऐसे भी पापा का इंतजार करना है। मैं भी जागता हूँ, कुछ बातें ही करेंगे, यूं तो नींद आएगी नहीं। आप थोड़ी देर आंखें बंद किए रहिए, आप ही नींद आ जाएगी। जैसे आपकी मर्जी। सन्नाटे में झिंगरों की आवाज भी कितनी अजीब सुनाई देती है। ये आप चुप किए हुए हैं? अच्छी बात है, मैं खामोश हो जाता हूँ, आप कुछ सुनाइए, कुछ अपने बारे में, कुछ यहाँ के बारे में। इस वक्त कुछ नहीं, आप सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। Thank you.
पानी कितना ठंडा है, मगर एक बात है, ऐसे ठंडे पानी में नहाने से बड़ी ताजगी होती है। अब आप फिर नहाने मत चले जाइएगा। क्यों? वरना मगर खींच ले जाएगा। जी, इस पानी में मगर भी है? गुड हेवंस, आप लोग यहाँ रहते कैसे हैं? पानी में मगर, बंगलों में सांप, मेरे ख्याल में शेर चीते भी जंगल में होंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर जंगल का मामला। मैं जंगल में फंस गया था, नहीं आ सका। ये गाड़ी किसकी है? जी वो इनकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी तो। नमस्ते। नमस्ते। मैं प्रताप वर्मा हूँ। प्लीज टू मीट यू। थैंक यू सर। रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, इसीलिए मजबूरन मुझे यहाँ रोकना पड़ा। इस रास्ते से कहाँ जा रहे थे? जी शिमला। तफरीन ने किसी काम से? कोई वैसे खास काम तो नहीं, मेरे पिताजी के एक दोस्त की लड़की देखने जा रहा था, यानी कि शादी के लिए। बहुत खूब, तुम चाय पियो, मैं तुम्हारी गाड़ी का इंतजाम करता हूँ। ये बात आपने मुझे तो नहीं बताई। क्या? यही कि शिमला में आपका कोई इंतजार कर रहा है। हो, बहुत खूबसूरत होगी। कैसे बता सकता, अभी तक तो देखा नहीं। देखने की इच्छा तो होगी। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? आप हंस क्यों रही है? बताइए तो सही। अरे देखो, आप मेरी चाय पी गए। हाँ प्रताप, अगर तुम मामूली स्पीड से भी गए तो 3 बजे तक शिमले पहुंच सकते हो। गाड़ी बिल्कुल ठीक हो गई है, खाने पीने का सामान सब रख दिया है, तुम्हें कुछ और चीज की जरूरत है? जी नहीं, शुक्रिया। अच्छा अब आप मुझे इजाजत दीजिए। ये कैसे कह सकता हूँ, बहरहाल जब लौटो तो जरूर मिलना, भूलना नहीं। जी भूल कैसे सकता हूँ, ये तो मेरी खुशकिस्मती थी कि कल आप लोग यहाँ मिल गए, वरना न जाने इस रात को जंगल में क्या हालत होती। वरुणा देवी दिखाई नहीं देती, यही कहीं होगी। उनसे भी एक बार मिला हूँ। हाँ जाओ। क्या बात है, आप यहाँ अकेली चुपचाप बैठी है? यूही, यही तो मेरी जिंदगी है। आप आ गए, ये 2 दिन कैसे गुजर गए मालूम भी नहीं पड़े। वाकई ये 2 दिन कितनी जल्दी बीत गए। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं, आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अच्छा मेरी गाड़ी तैयार हो गई है, मैं चलूं? क्या हुआ, मुझे कोई गलती हो गई है? नहीं तो। तो फिर आप मेरी तरफ देखकर बात क्यों नहीं कर रही हैं? यूं ही। तो क्या ये समझ लूं कि आप मुझसे नाराज हैं? नहीं तो। तो फिर मेरी तरफ देख। अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं, आपको देर हो रही है, आप जाइए। गुड बाय।
लो बेटा दूध पी लो। प्रताप किस सोच में पड़े हो? नहीं तो कुछ नहीं। मैं देख रही हूँ कि तुम जब से आए हो इसी तरह गुमसुम बैठे हो। जी, नहीं, नहीं। अरे बेटा यही तो तुम्हारे हंसने खेलने के दिन है, लो दूध पी लो। शुक्रिया। अरे बहुत देर हो गई। हाँ थोड़ी सी रात तो हो गई है, लेकिन वो लोग आते ही होंगे। ऐसे तो शीला कभी घर से निकलती ही नहीं। आज उसने कहा कि बहुत दिनों से मैं अपनी सहेलियों से नहीं मिली हूँ, तो मैंने कहा जाओ चली जाओ, वरना घर में सारे दिन मेरा हाथ बटाती है। अच्छा। सारे घर का काम काज वही संभालती है। इतनी सीधी और कहना मानने वाली लड़की, मैं क्या बताऊं, तुम खुद ही देख लोगे। हाँ लो वो आ गए। शीला नहीं आई? अभी तक वापस नहीं आए। तो फिर मेरा सर, ये सब तुम्हारा कसूर है। लड़की की ऐसी आजादी भी क्या, ना घर का काम करें, ना दो घड़ी घर में बैठें, आज पिकनिक कल सैर सपाटा, रोज यही होता है। अरे चुप भी करो प्रताप के सामने। चुप क्या करूं, प्रताप घर थोड़े ही है, आखिर दो दिन के बाद तुम्हारी इसी लाडली से वो ब्याह कर रहा है। वो बेचारा इतनी दूर से आकर यहाँ बैठा है और साहबजादी है कि अपनी सहेलियों के साथ कसावली में पिकनिक मना रही है। लो बोलो। उस दिन न प्रताप आया ना उसके आने की कोई खबर आई, इसलिए मैंने शीला को जाने दिया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। नहीं नहीं, कहने का मतलब ये था कि मैं जरा आपसे कुछ कहना चाहता था, मगर अनफॉर्चुनेटली कह नहीं पाया। बात यह है कि कल सुबह मुझे वापस जाना है। ऐसा कैसे? अरे बेटा कल तक शीला जरूर आ जाएगी, अब आए हो तो उससे मिलकर ही जाना। आप फिक्र न कीजिए, मैं बाद में मिल लूंगा, मगर वो ठेकेदार साहब अगर वहाँ से निकल गए ना, तो समझ लीजिए कि नुकसान ही नुकसान है। नुकसान, सख्त नुकसान। जी हाँ माफ कीजिएगा, नुकसान अपना हो गया। वरुणा देवी, अरे आप शिमला से बहुत जल्दी वापस आ गए। जी हाँ वापस आ गया, यानी कि आना ही पड़ा, बहुत जल्द वापस आ गया। इसलिए कि आपसे बात पूछना चाहता हूँ। मुझसे बात पूछने के लिए आप शिमला से वापस आए? जी हाँ, बात ही कुछ ऐसी है जिसका जवाब आप किसी और कोई नहीं दे सकता। पूछिए। फर्ज कीजिए एक लड़का एक लड़की से मिलता है और चंद घंटों में ये महसूस करने लगता है कि उसके बगैर वो रह नहीं सकता। एक वही लड़की है जो उसकी जिंदगी संवार सकती है। ऐसे हालत में उस लड़के को क्या करना चाहिए? उसे शादी कर लेनी चाहिए ना? है ना? तो फर्ज कीजिए मैं जो आपसे पूछना चाहता था वो पूछो। पापा से पूछिए। चार साल विलायत रहने के बाद अगर वहां से कोई मेम ब्याह लाता तो मुझे दुख ना होता, मगर जब मैंने यहाँ पर रिश्ता तय कर दिया तो उसे शीला पसंद नहीं। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। मेरे कारण? हाँ, मेरे मना करने पर उसे शिमला भेजा लड़की देखने। देखा है लड़की? भूल गए, तुम समझती नहीं हो। नहीं अब तुम मुझे समझाओ। अरे ये भी कोई मजाक है, रिश्ता तय करके तोड़ देना? क्या जवाब दोगे लड़की वालों को? कैसे मुंह दिखाओगे बिरादरी में? बिरादरी वालों के डर से हम अपने इकलौते बेटे की खुशी को ना देखें? अरे लड़का सयाना है, जवान है, अकलमंद है, इतने बड़े कारोबार को संभाल रहा है। मान लो कल को हमारी तुम्हारी मर्जी के बगैर ही शादी कर ले तो बिरादरी वाले फिर भी चुप ना बैठेंगे। माँ भैया कहते वहाँ 4 बजे पहुँचना है, जल्दी तैयार हो जाओ ना। जा कह दे मैं नहीं आती। क्यों? अरे भूल गए रसम के अरे काहे की मरी रसम, न गोत्रों का मिलान न जन्म पत्री, चले हैं मंगनी का रसम पूरा करने। तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं नहीं जाती। माँ जल्दी चलो, खुशीराम जी ने कहा 4 बजे अच्छा मुहूर्त है। आराम हाय दर्द। भूल गए? अरे तुम भूले बैठे रहो। हाय हाय राम हाय दर्द। अरे बेटा प्रताप आज तो मैं नहीं जा सकूंगी, बहुत दर्द हो रहा है मेरे लाल, तू ही चला जा जल्दी, जा तो मुहूर्त निकल जाएगा। आय हाय
अरे जब लड़की तुझे पसंद है बेटा तो मुझे भी पसंद है मेरे लाल। सच? और तुम खड़े खड़े क्या मुंह देख रहे हो, जाते क्यों नहीं इसके साथ? जाता हूँ जाता हूँ जाता हूँ। बेटा प्रताप तू नीचे चल, माया बेटा रुक के तू भी जा। मैंने कहा क्या हुआ? और दर्द? मान गए देवी, बड़ी बड़ी हीरोइनों को तुम पानी भरवा सकती हो। नमस्ते। शर्मा रही हूँ? तुम इस तरह शर्मा कर चुपचाप बैठी रहोगी तो ये रात किस तरह गुजरेगी? अच्छा तुम ही बताओ, तुम नहीं बोलोगी तो मैं बातें किससे करूंगा? अरे पैरों को हाथ क्यों लगा रहे हैं? देवी की पूजा तो चरणों से ही शुरू की जाती है। नहीं नहीं आप नीचे मत बैठिए, ऊपर बैठिए ना। ये लो बैठ गया, अब क्या हुक्म है? ये देखो तुम्हें पसंद है? बहुत अच्छा। जरा पहन के देखो कैसा लगता है। मैंने करवट बदली तो देखा कि वरुणा अपने बिस्तर पर नहीं थी। वरुणा, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? क्या मतलब? हुआ क्या? बोलो। वरुणा, क्या हुआ? सर में बहुत दर्द है। सर में दर्द है? चलो सब ठीक हो जाएगा। आओ। ये लोग अपनी पड़ोसी ने, इन्हें नमस्कार करो। नमस्ते। कल नहीं आई थी तो आ गई। चलो आज तो आ गई। पहले ये बताओ जी। हाँ बहन, बड़ी तकदीर वाली हो, और बहू भी कैसी सुंदर पाई है। प्रताप ने गलत पसंद नहीं की। देखो एक मेरा बेटा ऐसी लड़ाका बहू ब्याह के लाया, खुद भी लड़ती है और बेटे को भी लड़ाती है। और तुम कौन सा अच्छा बर्ताव करती हो बहू के साथ? अरे चुप रहो सुशीला की माँ, मेरा मुंह मत खुलाना। क्या मैं तो बहू गेहूं तरह से? अरे क्या खोलोगी? मैं दुनिया जानती है, जानती है सब जानती। अरे यहाँ लड़ने आयो के बहू देखने आयो? ठंडे देश में रहने से कितना बड़ी दिखाई देती है। वैसी इसकी उम्र तो सिर्फ 17-18 होगी। अरे हंसती क्यों है? कुछ नहीं, आपने मेरी उम्र गलत बता दी। 18 तो मैं कब की पार कर चुकी हूँ। पापा तो कहते थे मैं 25 की भी हो गई हूँ। अरे तो मैं क्या कोई जन्मपत्री लेकर बैठी हूँ? जो मेरी समझ में आया मैंने कह दिया। आप नाराज हो गई? नहीं बेटी, नाराज क्यों हूँ। अब तुम लोग बहना आशीर्वाद दो, अपनी घर गृहस्थी देखा, खानदान की इज्जत रखे। रुकी बहू को अंदर ले जा। हमारे दोस्तों ने हमें शादी की रिसेप्शन दी और हम लोग पिकनिक करने जा पहुंचे। बिजनेस में खड़ा हो गया यार। अम्मा यार ये क्या मजाक है? हम हमेशा बिजनेस की बातें करते रहेंगे कि और भी कोई बात भी करेंगे, आखिर हम पिकनिक पे किस लिए आए? राइट, मगर ये सब बीवियां कहाँ गायब हो गई? इन औरतों के साथ यही तो मुसीबत है। जहाँ चार औरतें इकट्ठा हुई कि बस तो फिर उनको बुलाना चाहिए। ठहरो मैं बुलाता हूँ। अजी हजरत सुनिए तो सही, वो इस वक्त उनकी महफिल जमी हुई है, वो आएंगी आपके बुलाने से। महफिल की चौधरानी तो मेरी श्रीमती जी हैं, उनको बुला लेता हूँ, महफिल बर्खास्त। अच्छा तो बुला लीजिए, जरा देख ले। अच्छा साहब बुलाता हूँ। अजी सुनती हो, मुनासिब है तो है जालिम, घड़ी भर के लिए आजा, बुझानी है तेरे दामन से शमय जिंदगी अपनी। चुप भी रही, पागल हो गए। हाँ
कहिए जनाब। ठीक है, मैं नहीं बुला सका, आप तुम ही कोशिश करो। बढ़ो बढ़ो, देखो क्या तीर मारते हो। अरे प्रताप यार, तुम्हारी बीवी नई नई है, तुम अगर उसे बुलाओगे तो फौरन चली आएगी। उसी को तो घेर के बैठी है सब। कमान यार, प्लीज कमान। फूल सा चेहरा फूल सा चेहरा, चांद सी रंगत, चाल कयामत क्या कहिए। फूल सा चेहरा चांद सी रंगत, चाल कयामत क्या कहिए। जो भी देखे हो जाए पागल, अपनी तो हालत क्या कहिए। फूल सा चेहरा अपनी अदा से आप सिमटना, साए से अपने आप झिझकना। अपनी अदा से आप सिमटना, साए से अपने आप झिझकना। हाथ लगे तो कुमला जाओ, ऐसी नजाकत क्या कहिए। फूल सा चेहरा चांद सी रंगत, चाल कयामत क्या कहिए। फूल सा चेहरा जमाना कहता है सूरज, ये तो तुम्हारा नक्श कदम है। जिसको जमाना कहता है सूरज, ये तो तुम्हारा नक्श कदम है। मिल जाए जिसको तुम सी हसीना, उसकी तो किस्मत क्या कहिए। फूल सा चेहरा चांद सी रंगत, चाल कयामत क्या कहिए। जो भी देखे हो जाए पागल, अपनी तो हालत क्या कहिए। फूल सा चेहरा। ये क्या मजा, किस तरह सबके सामने छेड़छाड़ करते हैं। तो क्या हुआ, ये तो सब अपने दोस्ती है। फिर भी मुझे नहीं अच्छा लगता। अच्छी बात है, आओ बैठे। नहीं मैं नहीं बैठ। वरुणा क्या हुआ, वरुणा क्या हुआ, सर दुखता है? सर दुखता है। अच्छा चलो कहीं चल के बैठ गए। रुकी, भूल गए घर में डॉक्टर क्यों आया है? भाभी को देखने। बहू को देखने, उसे क्या हुआ? क्या पता, भूल गए तो फिर जाकर पता करना चाहिए। तुम आ जाके क्या करोगे? आ? खाना खाओ, माँ गई है ना? मगर मेरा जाना लाजमी है, घर में कोई बीमार हो अब मैं बैठा खाना खाऊं? एक बार जाकर पूछूं तो सही। ओहो, माँ आएंगी तो पूछ लेना, वहाँ जाओगे तो माँ डांटेंगी। डांटेंगी क्यों, डांटेंगी क्या, मैं उनसे डरता हूँ? अभी देख कर आता हूँ। होगा क्या, जरा सर में दर्द हुआ तो डॉक्टर बुला लिया। हमारे बखत में मरने लगो तब भी कोई नहीं पूछता था, अब नई नवेली की चोट में देखो बैठ के। अरे तुम अभी तक खा नहीं चुके, छह घंटा लगते हैं तुम्हें खाने में। ऐसे सरदर्द के बहुत से कारण हो सकते हैं, नजला, जुकाम, आंखों की कमजोरी या कोई और इन्फेक्शन भी हो सकता है। जी
लेकिन तुम कहते हो कि शिकायत पुरानी है और पहले इलाज भी किया है। जी हाँ, पहले किस डॉक्टर का इलाज किया था? ये तो मैं आपको पूछकर ही बता सकता हूँ। बताना, इसमें हेल्प, क्योंकि मैं बगैर जांच किए आगे कुछ कह नहीं सकता। ऐसे फिलहाल दर्द बढ़े या बेचैनी बढ़े तो वो ही दबा देना। अच्छी बात है, थैंक यू। मेरे पिताजी को रात में उठकर जरा कमरे से बाहर जाने की आदत है। भूत, तुम्हारा तो दिमाग खराब है। कहाँ है भूत? चलो, अरे उठो ना, चलो। कहाँ है भूत? चलो, हाँ हाँ, मुझे रात को हैरान करते हो। चलो, क्या है यहाँ? तो कुछ भी नहीं है। उधर रेलिंग पर। उधर कहाँ रेलिंग पर? कुछ भी तो नहीं, दिखाओ। देखो देखो तो देखो, निकल के ना। कहाँ रेलिंग पर? देखो देखो, क्या है रेलिंग पर? हाँ, क्या है? भाग गया तुम्हारी डर से। भाग? हाँ, मैं डर से भाग गया। दिन भर अंडबंड किताबें पढ़ते हो, रात को तुमको भूत प्रेत नजर आता है। चलो सो। क्या हुआ अब? अब कोई हंस रहा है। ओहो, अरे ये तो बहू हंस रही है। बहू? बहू? इतनी सी रात गए? नहीं नहीं, शादी हुई है तो हंसेगी, नहीं तो क्या रोएगी आधी रात को? सठिया गए हो। चलो चलो। यही तो देखने आया। बंद है तो? मैं देखती हूँ। हाँ राम, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? उन्होंने ठीक ही देखा था, ठीक ही कहा था मुझसे। समझना बुरा बेटा, वो अपने आपे में नहीं है। नहीं क्या कर रही हूँ? ठीक कर रही बेटा। नहीं नहीं, मैं चाबी लाता हूँ। गायब हो गई। गायब हो गई बेटा। गायब हो गई? सीताराम, जल्दी पाँव निकालो, पाँव निकालो, जल्दी करो, आदमी दम मारने की फुर्सत नहीं है। तेरे के अब क्या हुआ? तुम तो बस के बैठे अखबार पढ़ते रहो। मरण तो मेरा है, मैंने पहले ही कहा था कि अच्छी तरह जन्म पत्री मिलवा लो, अच्छे लगन निकलवा लो, पर मेरी सुनता ही कौन है? प्रताप को रिश्ता पसंद है, बस प्रताप डाल है। भूल गए बहू की तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत को क्या हुआ है? उसे तो किसी भूत प्रेत का साया पड़ गया। साया? भूत प्रेत? हाँ, नहीं तो क्या? ऐसा भी क्या सिर दर्द है जो डॉक्टरों तक की समझ में ना आए? इतनी बड़ी सयानी लड़की रात रात को उठकर नाचती है। नाचती है? और नाचती कैसा जानते हैं? ये क्या है? राम राम राम, मैं तो ऐसा नाच कूद देखकर दंग रह गई। सुशीला की माँ ने मुझे एक ओझा का पता बताया था, आज मैंने उसे बुलाया है, अब भी आता होगा। भूल गए, ये ओझा क्या करेगा? अरे तुम मुझसे बैठे बैठे जीरा मत करो, ओझा का काम झाड़ फूंक करना है, समझे? तुम तो ऐसा करो। मगर प्रताप से पूछा था। प्रताप से क्यों पूछूं? जो मैं कहूँगा प्रताप मान जाएगा? फिर भी मेरी समझ। तुम्हारी समझ है पर यहाँ पत्थर, समझे? चलो ऊपर, मुझे यहाँ साफ सफाई करानी है। ऊपर चलो यहाँ से। रामू, ए मुनुआ, कहाँ गए सब? मर के मर बोला। अरे तुम अभी तक यही बैठे हो? चलो उठो यहाँ से। जाता हूँ बाबा, जाता हूँ, जाता हूँ, जाता हूँ, छह घंटे और काम करने में लगते हैं। चलो यहाँ से। भाभी उठो। कितने बज गए रुके? साढ़े नौ। क्या साढ़े नौ बज गए? वो ऑफिस गए क्या? हाँ। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ?
भैया कह गए थे पूछ के फोन कर देना। अच्छा कह दे मैं अच्छी हूँ। अच्छा भाभी कल रात को क्या हुआ था? क्या तुम उस कमरे में रेडियोग्राम बजा के नाच रही थी? मैं नाच रही थी? हाँ। किसने कहा तुझसे? रेडियोग्राम की आवाज़ तो मैंने खुद भी सुनी थी और सुबह भैया कह रहे थे कि तुम नाच रही थी। रुकी तू बड़ी शरीर है न जाने कहाँ कहाँ से मजाक करती है। मजाक नहीं भाभी सच कह रही हूँ। बिल्कुल झूठ। भैया ने देखा माँ ने देखा कि उन लोग भी झूठ कहेंगे। मगर ये कैसे हो सकता है? मैं तो रात को सर दर्द की वजह से एस्पिरिन खा के बेखबर सो रही थी। तो माँ ही ठीक कहती होगी। ताज्जुब है बहुत ताज्जुब है। ऐसा कभी नहीं हुआ। गाने का शौक उसे बचपन से है। रिकॉर्ड बजाती थी उसकी नकल करती थी। जो कभी मैं रिकॉर्ड ले आया तो उसे बार बार बजाती थी खाना पीना भूल जाती थी। लेकिन नाच इसका मुझे कोई इल्म नहीं। क्या कहती है कुछ याद नहीं? जी नहीं। रुकी ने उसे याद दिलाने की काफी कोशिश की लेकिन बराबर ही सर। हेलो तुम सब काम छोड़ के फौरन चले आओ मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है मैं भी आता हूँ। हाँ जल्दी से। सती की दुहाई हो काली की दुहाई हो पांचों पीर की दुहाई हो महाकाली की दुहाई हो भूत हो प्रेत हो शंकिनी हो डंकिनी हो सामने आओ। ओम स्वाहा। बोल कौन है तू? क्या नाम है तेरा? बोल क्या नाम है तेरा? ए, नाम बताने में डरती है मगर मैं इससे अभी सब कबूल करवा लूंगा। What? बोल कौन है तू? कहाँ जा रही है? रुक जा रुक जा। पता क्या नाम है तेरा? समझती है नहीं बोलेगी तो छोड़ दूंगा। मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं समझी? आठ बोल, बोल। ये सब क्या हो रहा है? Don't touch me. I say don't touch me. पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। देता हूँ सब कबूल करके चले जा। नहीं जाएगी ठहर जा। बोल क्या नाम है तेरा? नहीं बताएगी मत बता लेकिन सीधी तरह यहाँ से चली जा और जाते वक्त बाहर के पेड़ की एक टहनी तोड़ कर गिराती चली जा जिससे पता चले कि तू चली गई। चली जाएगी क्या? नहीं बोल
जाएगी कि नहीं, जाएगी कि नहीं? अब जरूर जाएगी। हैरान। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैंने शादी की है ना, बेचारे कुछ बोलती नहीं, इसे तुम इसका गलत फायदा उठाना चाहती हो। मैं फायदा उठा रही हूँ तो डॉक्टर के समझ में क्यों नहीं आता है कि क्या बीमारी है? रात को उठकर नाचती क्यों हो? मैंने तुमसे पहले ही मना किया था कि प्रताप से पूछे बगैर कुछ मत करो। Our host and hostess, Mr. and Mrs. Verma. Glad to meet you. How do you like Calcutta? Oh, splendid. Wonderful. Hello, Mrs. Mitchell. I meet my wife, Mrs. Mitchell. How are you? What a wonderful girl. Oh, but you have no drink. Oh, yes, boy. Drink now. Help yourself, please. What's about Mr. Mitchell? Oh, one is a good. Come on, good girl. Oh, no. Come on, good girl. Cheers. मैंने तो कभी पिया नहीं, अब क्या होगा? फिलहाल हाथ में रखो, मौका देखते ही फेंक देना, दिखावे के लिए शामिल होना मत। Cheers, okay. जरा देखिए, कोई देख तो नहीं रहा? नहीं, देख तो। Thank God. Oh no! तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ठीक है। हाँ, फेंक दिया ना? हाँ, come my girl with me. Come my girl, it's a lovely party. Excuse me. No, I wish to propose a toast to our beautiful lady. अपने खूबसूरत मेजबान की सेहत के लिए. But no drink. Oh. मगर Mrs. Mitchell, मैं तो नहीं पीती. Oh, Gopal, give us a nice soft drink. That's right. It's only a Coca-Cola. ये शर्त पर सब साथ पीना पड़ेगा. Come on, bottoms up. Cheers. Hello. Oh, that's wonderful. Lovely.
हेलो हेलो ओ इतनी देर हो गई। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ, क्यों? कल रात को क्या हो गया था? कल रात को बिल्कुल बदहवास हो गई थी। ओ हाँ, वो मिसेस मिचेल ने ना जाने मुझे क्या पिला दिया, मेरा सर चकराने लगा। उसके बाद तुमने और पीना शुरू कर दिया, नाचने लगी। मैंने तुम्हारे हाथ से ग्लास छीनने की कोशिश की तो तुम बिगड़ गई।
चीखने लग गई। सच? हाँ। नहीं मैं सच कहता हूँ। सच? हाँ। मैंने ये सब किया? कितनी शर्म की बात है, आप मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? मिसेस मिचेल तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश की, तुम बन गई। उनकी तो आदत ही है इस तरह की मजाक करने की। देखिए, अब आप घर में इस किस्म की पार्टी मत दिया कीजिए। न जाने वो लोग अपने दिल में क्या सोचते होंगे। उफ, मेरा सर अभी तक भारी है। थोड़ी देर आराम कर लो, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हेलो स्पीकिंग। हेलो, क्या कहा? कब? आज सुबह। आज सुबह? कितने आदमी? करीब 100। करीब 100 आदमी? आप जल्दी आ जाइए। हाँ हाँ, मैं फौरन रवाना होता हूँ, फौरन। क्या हुआ? धानबाद से फोन आया था, वहाँ कोयले की खान टूट पड़ी और करीब 100 आदमी दब गए। वरुणा, तुम मेरा सूट के सहिया कर दो, मुझे फौरन जाना है। अच्छा। बना रखी है अपनी, तबीयत तो ठीक है ना? नहीं नहीं, थक गया हूँ, तबीयत बिल्कुल ठीक है। माफ करना वरुणा, मैं तुम्हें टेलीफोन नहीं कर पाया, बहुत चाहा मगर फुर्सत ही नहीं मिली। तुम्हें परेशानी बहुत हुई होगी, क्या बताऊं, जाते ही इस कदर काम में फंस गया कि पूछो नहीं। मुर्दों को, घायलों को ढेर में से निकलवाना, जांच इलाज, उफ उफ उफ, ये दो रोज कैसे गुजरे मैं ही जानता। अब तो बस सो जाऊं तो। अभी मत सो, पहले उठ के मुंह हाथ धो लो, नाश्ता कर लो, फिर सोना। जी नहीं। जी कैसे नहीं चाहता, चलो उठो उठो। सुनो ना, उठो ना, चलो मुंह हाथ धो, मैं नाश्ता लाती हूँ, उठो उठो उठो, चलो। ओके मैडम। ये दो बोतलें बाथरूम कैसे पहुंच गई? जी फिनाइल की। नहीं शराब की। शराब की? हाँ हाँ शराब की, बताओ ये खाली कैसे होगी? जी को पी गया होगा। ये तो पूछा, किसे पिया? मैंने तो नहीं पी सर का, ये घर की सफाई करता है। लेकिन मैं इनकी सफाई नहीं करता। फिर किसने किया? ये नशा करता है। कौन नशा करता है? तू खामोश, बताओ किसे पिया? मैं नशा करता हूँ, पीने का नहीं, बुड्ढा हो गया हूँ ना, कभी कभी अफीम खा लेता हूँ। समझा, मैं दो रोज बाहर रहा और तुम लोगों की बनाई, मैं एक एक को समझ लूंगा। देखा करो ना। क्या? ये दो भरी हुई बोतलें मैं यहाँ रख के गया था, सोचा था तुम उठा के रख दोगी, आज आके देखा बाथरूम में खाली पड़ी हुई है। बाथरूम में खाली पड़ी है? हाँ। आप यहाँ रख गए थे? हाँ हाँ, यही रख के गया था। मैंने तो नहीं देखा, नहीं तो उठा के रख देती। और फिर उसी रात मैं सो रहा था, एकाएक मेरी आंख खुली, देखा वरुणा बिस्तर पर नहीं थी। वरुणा, वरुणा, वरुणा,
मेरी बहू। उसके बाद जो कुछ हुआ वो तो आप सब जानती हैं। वारिस, ये बड़ा अजीब और करीब केस है। स्प्लिट पर्सनालिटी। स्प्लिट पर्सनालिटी? हाँ, वो जैसे पुराने लोग नहीं कहा करते थे कि एक जिस्म में दो रूह हैं, बस कुछ ऐसे ही समझ लो। दिलीप, याद है ना तुमने कहा था कि तुम शिमला में वरुणा से मिले थे, उसके बारे में कुछ बता सकते हो? और मैं भी यही सोच रहा था डॉक्टर, जहां तक मेरा ख्याल है मैंने मिसेस प्रताप को किसी पार्टी में देखा। हाँ, क्रिसमस पार्टी डॉक्टर, पेगी नाम की एक लड़की थी शिमला में, उसी की वहां पार्टी थी और मैंने मिसेस प्रताप को वहीं देखा है। उस पेगी नाम की लड़की के बारे में और कुछ बता सकते हो? वरुणा से उसकी दोस्ती कैसी थी? जी, इससे ज्यादा मैं क्या बता सकता हूँ। मैं सिर्फ चंद दिन के लिए शिमला गया था और एक दोस्त के वहां ठहरा था, मगर आप कहें तो उस दोस्त से चिट्ठी लेके पता कर सकता हूँ। हाँ हाँ, जितनी जल्दी हो सके पता करो और मुझे बताओ। और हाँ प्रताप, तुम्हें वरुणा को कुछ दिन यहाँ रखना पड़ेगा ताकि हम अच्छी तरह से उसकी जांच कर सकें। ये हमारा फीमेल वार्ड है। आओ। वो वहाँ। तुम यहाँ के लिए नए हो, यहाँ के हर मरीज को पहचान लो और इनकी आदतों को अच्छी तरह से समझो। आओ। वरुणा, कैसी हो? अच्छी। ये वरुणा है, ये डॉक्टर कुमार है, हमारे न्यू हाउस सर्जन। बैठ जाओ, बैठ। इस मरीज का खास तौर से ख्याल रखना, ये एक हफ्ते से अंडर ऑब्जर्वेशन है, अगर कोई खास बात हो तो डॉक्टर के को प्रॉब्लम देना कर देना। राइट सर। और यहाँ कोई जिस्मानी मरीज नहीं है, सब दिमागी मरीज है। जब इनको दौड़े उठते हैं तो अजीब अजीब किस्म की बातें करते हैं, किसी को काट लेते हैं, किसी के बाल नोच लेते हैं। ये औरत है, बेवा है, इसने अपने 5 बच्चों को मार डाला है। ये सोते में उठती है और रास्ता चलती है और कोशिश करती है कि अगर कोई इसको सामने मिल जाए तो उसका गला घोंटे। तुम डरते तो नहीं हो? जी बिल्कुल। इसमें कोई डरने की बात भी नहीं है, कोई बात भी नहीं है डरने की। बिल्कुल। और यहाँ बहुत से मरीज ऐसे हैं जो खामोश रहते हैं। डॉक्टर, डरने की कोई बात? कोई बात नहीं, कोई बात। डोंट वरी, ठीक है। डोंट वरी डॉक्टर, ठीक है, ठीक है। डोंट वरी। सिगरेट? लाइट? यस। कैसी लगती है? जी अच्छी, बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी। मेरे साथ डांस करोगे? डांस? यस, डांस। जी व्हाई नॉट, ऊपर चलिए। ए, ऊपर नहीं, इधर चलो, मुझे कहीं बाहर ले चलो। कहाँ? किसी क्लब में, होटल में, जहाँ म्यूजिक हो, डांसिंग हो, लाइफ हो। चलो। आप पेशेंट है, बाहर नहीं जा सकती। पेशेंट? व्हाट पेशेंट? क्या बकवास करते हो? प्लीज प्लीज मुझे ले चलो, कहीं बाहर ले चलो। बाहर नहीं जा सकती, बाहर नहीं जा सकती। ठीक है। मैडम, मैडम प्लीज, आप कहाँ जा रही? बाहर जा रही। तो चलिए मैं भी चलता हूँ। मैं क्या फोन कर लूँ? फोन नहीं, चलना है तो अभी चलो। अभी? अभी कहाँ जाऊँ?
हाँ, एक बहुत अच्छी जगह है, वहाँ म्यूजिक है, आप डांस भी कर सकती हैं। हाँ, really? हाँ, तो चलो फिर। ठहरिए, पहले इसको पहन लीजिए। आप यही रहिए, मैं अभी आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं अकेली नहीं रह सकती। आई वॉन्ट लाइट, रोशनी, मोर लाइट, रोशनी ना। जी हाँ जी हाँ, रोशनी, लाइट, मैं जलाता हूँ उधर। यही आराम कीजिए, मैं अभी आता। नहीं 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 जी, मेरा गला सूख रहा है, कुछ पीने को चाहिए। पीने को? मैं भी पानी लाता हूँ। पानी नहीं, क्या वो? जी जी, मैं न रखता हूँ न पीता हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं। नो जरूर रखते होगे। आई नो तुम लोग कहाँ छुपा छुपा के रखते हो। यहाँ कुछ भी नहीं। रेडियोग्राम देख लीजिए, रेडियोग्राम, कुछ नहीं। बुक्स, मेडिकल बुक्स, कुछ नहीं है। एनाटॉमी, चेस्ट, हार्ट, ब्रेन, नथिंग। ये क्या है? लिवर? ब्रांडी है। सुनिए सुनिए, मत खोलिए मत खोलिए। मत पीजिए मत पीजिए मत पीजिए मत। Music, dancing, come on, let's dance, come on. नहीं,
नाइट एलिवेंट्स। अब पहचान, हम पहले भी मिल चुके हैं। मिल चुके हैं? हाँ हाँ। कहाँ? याद करो। मिल चुके हैं? हाँ। याद आया? Yes, princess. No. No? No. Purple. No. 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 Now. Meta Alvarez. Meta Alvarez. तुम्हारा क्या नाम है? Peggy. Peggy? Yes, Peggy, Lily, Kitty, Rosie, Pamela, anything. वैसे तो मेरा कोई नाम नहीं, जिस नाम से चाहो पुकार सकते हो। Let's have music. Yes. Cigarette? मैं मेरे Varuna? Alvarez? तुम्हें कुछ याद है? मैं तो अपने कमरे में सो रही थी, मुझे यहाँ कौन लाया? तुम यहाँ खुद आई हो? हाँ। तुम सिगरेट पी रही थी, तुम्हें कुछ याद है? मैं? हाँ, सिगरेट। सिगरेट मैं? हाँ हाँ। तुम्हारी आंखें लाल हैं। You are smelling. तुमने ब्रांडी पी है, कुछ तुम्हें याद है? ये सब आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? ये देखो, मुझे ये मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे तो सब चीजों से सख्त नफरत है। तुम पेगी को जानती हो? पेगी? मैंने तो ये नाम कभी नहीं सुना। पामेला, रोजी, लीली, पेगी। हाँ हाँ, पेगी? याद करो, तुम पेगी से कहाँ मिली थी? पेगी कहाँ रहती है? मेरा सर दुख रहा है। पेगी को जानती हो? पेगी, गौर करो। मेरा सर हटा जा। सोचो, पेगी कौन है? पेगी कौन है? पेगी, मेरा सर दुख रहा है, मेरा सर हटा जा रहा है, मेरा सर। हेलो हेलो, सॉरी, सो गई थी। पेगी? यस। कैसी तबीयत है? अच्छी हूँ। हाँ, खत्म हो गई। सिगरेट? नो नो no cigarette, no drink. Okay, let's have some music. Oh. No music. No music, music. चलो बाहर चले। इतनी रात गए? हाँ, मुझे एक जगह मालूम है। पेगी, बरना। पेगी, पेगी। पेगी एक बड़ा जबरदस्त नेगेटिव रूप है। हाँ, वैसे तो हर इंसान में नेगेटिव और पॉजिटिव यानी दोनों व्यक्तित्व समाये रहते हैं, मगर जब नेगेटिव बहुत जबरदस्त हो जाता है, ताकतवर हो जाता है,
पॉजिटिव पर पूरी तरह हावी हो जाता है। इसीलिए हम वरुणा को पेगी के रूप में बिल्कुल बदला हुआ पाते हैं। ये एक ऐसे रूप में हम देखते हैं जिसे काबू किया नहीं जा सकता है, जो तेज मिजाज वायलेंट है। लेकिन डॉक्टर, ये होता क्यों है? होता क्यों है, होता है क्या प्रताप? ये होता ही है, ये ज्यादातर किसी जोरदार व्यक्तित्व के प्रभाव से होता है, यानी आई मीन द इंफ्लुएंस ऑफ अ पावरफुल पर्सनैलिटी। अंडरस्टैंड समझा सर? क्या एक्सक्यूज प्लीज डॉक्टर। सर, आपने जो इंजेक्शन बताया था ना, उसका ज्यादा से ज्यादा डोज दे चुका हूँ, मगर कोई असर नहीं है अभी तक। कोई असर नहीं है? जी नहीं। इम्पॉसिबल है वायरस। ताज्जुब तो मुझे भी है, मगर नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं सोऊंगी। बस सुस्ती आ रही है, लेकिन मैं नहीं सोऊंगी। जो सोया वो खोया, जो गोया वो जोया, जो सोया मैं सो के जिंदगी का लुत्फ नहीं खोना चाहती। हेलो मिस्टर इंजेक्शन, एक और इंजेक्शन। आई लो, फिर तुम कहोगे नो नो, सो जाओ, नींद आ रही है, सो जाओ। हेलो यू ओल्ड फूल, फूल, वेयर हैव यू बीन? कैसी हो? अच्छी तो हो ना? जाने दो प्लीज, जाने दो मुझको प्लीज, जाने दो मुझे प्लीज। क्यों मुझे सता रहे, क्यों रोक रखा है मुझे? देखो ना, देखो देखो, बाहर कितनी खुशनुमा सुबह है, वहाँ सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं वहाँ जाऊंगी तो सब हंसेंगे, नाचेंगे, खुश होंगे, और फिर मोहब्बत की बात करेंगे। जो मुझे मिलता है वो मोहब्बत की बात करता है। फूल, सब बेवकूफ है। हेलो नर्स। हेलो, हाउ आर यू? प्लीज कीप क्वाइट। हेलो ओल्ड मैन, स्वीट ओल्ड मैन, वेरी स्वीट ओल्ड मैन। नो नो नो, क्या कर रही हो मुझे भाई? नहीं नहीं, अल्वारेस, 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 चलो बैठो यहाँ। इसे यहाँ कौन लेकर आया है? बड़ा शहर बना फिरता है, इडियट। हेलो दिलीप, देखो मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, इन लोगों ने जबरदस्ती मुझे यहाँ बंद कर रखा है। लेट्स गो, लेट्स गो आउट। नो पेगी, नो, हम लोग डांस करेंगे, चलो। नो पेगी, नो, यू मस्ट टेक मी आउट दिलीप। नहीं, मुझे ले चलो बाहर। पेगी नो, मैं कहती हूँ मुझे ले चलो। नो पेगी, मुझे ले चलो बाहर, नहीं तो मैं मार डालूंगी तुमको। पेगी नो, छोड़, यू मस्ट टेक मी, पेगी नो, बहुत ज्यादा वायलेंट हो रही है, इसको शॉक थेरेपी देने चाहिए। नो फिकर राइट, बिल्कुल सही, ले चलो, ले चलो, ले चलो सर। कब
Doctor, how's the blood pressure? Normal. Good. Nurse, voltage all right? All right. Got it. All set? Yes. Okay. Oh, come here. मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने कमजोर दिल का है। देखो एक काम करो, तुम घर जाकर आराम करो। आई प्रॉमिस यू, जैसे ही वो होश में आएगी एकदम ठीक हो जाएगी। तुम घर चले जाओ। डॉक्टर प्लीज, फॉर माय सेक, थैंक यू। देखो ना मेरे प्रताप की क्या हालत हो गई है। देखो ये सब बातें बाद में भी हो सकती हैं। देखती नहीं हो लड़का थका मारा आया है, इसे आराम की जरूरत है। जा बेटा जा। अब मैं प्रताप को यहाँ हरगिज़ नहीं छोड़ूंगी, अपने साथ ले जाऊंगी। ले जाना बाबा ले जाना, वो कहीं भागा तो नहीं जा रहा है। और तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। प्रताप की दूसरी शादी होगी चीला के साथ, मैं आधी से तार देकर बुलाती हूँ। अब तक सुनता था कि बहू की दिमाग खराब है, लेकिन अब देख रहा हूँ तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं ही मूर्ख हूँ जो तुमसे राय लेती हूँ। तुमसे तो बात करना पाप। तो न करना, बिल्कुल न करना, मेरी भी जान छूटे। हेलो, हाँ घर में है। आपका नाम? डॉक्टर आलमारी, ठहरिए बुलाती हूँ। प्रताप, तेरा फोन आया बेटा। कौन है माँ? कोई डॉक्टर आलमारी है। अलमारी? हाँ। डॉक्टर अल्वारिस। हेलो डॉक्टर अल्वारिस। हाँ मैं डॉक्टर अल्वारिस बोल रहा हूँ। वरुणा घर आई? नहीं तो, क्यों? नहीं, न जाने कहाँ चली गई, हम तो समझे वो घर चली गई होगी। नहीं तो, वो तो घर भी नहीं है। फिर तो पुलिस को खबर करनी चाहिए। देखो पुलिस को और होटल वगैरह को हम इत्तला देते हैं, तुम यहाँ फौरन आ जाओ। हाँ फौरन आ जाओ। हाँ मैं भी आता हूँ। क्या बात है बेटा? वरुणा अस्पताल से कहीं चली गई। अरे हेलो पुलिस हेडक्वार्टर्स, जस्ट अ मिनट प्लीज। डॉक्टर देव। हेलो, हाँ आई डॉक्टर देव बोल रही। हाँ कोता है? ग्रैंड होटल। वो ग्रैंड होटल में है। आस्क फॉर रूम नंबर। रूम नंबर तो की 104। अच्छा आश्चर्य, चलो चलो। She came to us at about 5 o'clock. Wanted to stay here. We couldn't know she was in any trouble. Danced in the hall, and she's quite a nice dancer too. Then she came up here and ordered drinks, and since then she's been drinking quite a lot. क्यों आए हो? चलो यहाँ से।
छोड़ दो मुझे, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं कहता हूँ चलो। छोड़ो मुझे। नहीं प्रताप नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। थोड़ी ही देर में सो जाएगी, फिर इसको आहिस्ता से ले चलेंगे। कोई जरूरत नहीं, मर जाने दो इसे। क्या कह रहे हो प्रताप? मैं ठीक ही कह रहा हूँ, मर जाए तो मेरे लिए बेहतर है। दिमाग ठंडा रखो। अजी क्या ठंडा रखो, दिमाग ठंडा रखो, दिमाग ठंडा रखो। बर्दाश्त की भी हद होती है। आपने कहा था कि शॉक थेरेपी देने से सब ठीक हो जाएगा। वरुणा वापस आ जाएगी, देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए। यही लेट किया था आपने, शेम ऑन यू। प्रताप, प्रताप, डोंट स्टॉप मी। बचपने की बातें नहीं किया करते। ऐसे मामलों में इलाज इतना आसान नहीं है जितना तुम समझते हो, और फिर कारण जाने बिना कोई इलाज कर भी कह सकता है। इसके बचपने के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। इस गरीब को कुछ याद नहीं है और तुम्हारे ससुर ने हमें कुछ लिखा नहीं। मगर डॉक्टर, ठीक है हम सब जानते हैं प्रताप। अगर शॉक थेरेपी से वरुणा वापस आ जाती तो हम हिप्नोसिस के जरिए कुछ और कोशिश करते, मगर अब तो हम शॉक भी नहीं दे सकते, ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, समझे? इसलिए मैं चाहता हूं कि जब तक वरुणा वापस ना आ जाए इंतजार करो। इस वक्त बड़े सब्र की जरूरत है, धीरज रखो। धीरज धीरज धीरज, ये सब कुछ होने के बावजूद भी कोई इंसान धीरज रख सकता है? मगर तुम्हें रखना ही होगा, हिम्मत हारने से हाँ काम नहीं चलेगा। ये तुम्हारे सब्र का, धीरज का, प्यार का इम्तिहान। बस 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 डॉक्टर, बहुत इम्तिहान हो चुका, अब मुझसे नहीं होगा। मैनेजर, इसे यही रहने दीजिए, जो कुछ बिल होगा मेरे पास भेज दीजिए। प्रताप, अब बस भी करो, बहुत हो गई चहलकदमी। 10-12 मील तो चल भी चुके होगे, जाकर सो जाओ। भूल गए या तुम? कहते क्या, घर में इतना गोलमाल चल रहा है, लड़का अभी तक घर नहीं आया, बहू की कोई खबर नहीं मिली, अब तुम कहते हो जाओ सो जाओ। क्यों, बहू मिली? मिली। अरे तो फिर उसे साथ क्यों नहीं ले आए? अब वो इस घर में कभी नहीं आएगी। हाँ न मिलती तो अच्छा होता, कहीं मर गई होती तो मुझे अफसोस नहीं होता। मुझे 4 आदमियों के सामने इस तरह जलील नहीं होना पड़ता। बात क्या हुई ये तो बताओ। क्या बताओ बाबूजी, कितनी शर्म की बात है, एक शरीफ घर की बहू होकर उसने, अब मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। भैया मुझे वहां ले चलोगे भाभी के पास? बस एक बार देख के चले आऊंगी। नहीं नहीं, मैं तुझे वहां नहीं ले जा सकता, मैं तुझे वहां नहीं ले जा सकता। वो तेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगी, तुझे मारेगी वो। मारने दो, वो तो इस वक्त होश में नहीं। मैं सब कुछ समझ सकती हूँ, सच्चा प्यार बड़ी सहनशीलता मांगता। बोलो ले चलोगे ना? ले चलो ना भैया। अच्छा चल, पहले फोन।
क्या कहा डॉक्टर ने? कहेगा क्या, दवा दी है और कहा इतनी तेज बुखार में अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। और हाँ, कहता है कि बच्चा होने वाला है। बच्चा होने वाला है? किसकी लड़की किसकी बहू, कल कोई झमेला हो जाए तो? ये सब तुम्हारे कारण, बैठे ठहरे एक मुसीबत मोल ली। हम अपने जजमान देखूं कि डॉक्टर के यहाँ दौड़ूं, और पैसा जो खर्च होगा सो अलग से। रुपया पैसा साथ लेकर जाऊं? नहीं, लुटा दूंगा। जानती हो, डॉक्टर ने अपने 2 रुपया फीस तो पहले ले लिया, और ये 20 आने के दवाई, जाओ दवाई पिलाओ, और होश आते ही उसका इस रिश्तेदारों का पूछ के और उसको भेज देना। बता, तू कहीं काम से बाहर जा रहा है बेटा? नहीं तो क्यों? अभी तक ड्राइवर नहीं आया, शीला तैयार हो गई है बाजार जाने के लिए। जरा साथ ले जाए अपने, इसे कुछ सामान खरीदवा दे और कलकत्ता शहर घुमा दे। अच्छी बात। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? बैठ जा, बैठ जा। तुम्हारा जी अब कैसा है? मेरा जी नाचने को करता है, पर मेरे पांव ही नहीं उठते। ऐसा लगता है किसी ने जकड़ लिया हो। क्यों नहीं, तुम 7 दिन से बीमार हो ना। लेट जाओ, लेट जाओ। ऐसे में बहुत सावधानी की जरूरत है। तुम्हारे पति कहाँ है? मेरा कोई पति नहीं। अब समझी, उस दिन रात को आंधी पानी में क्यों जा रही थी? आत्महत्या करने जा रही थी? मैं क्यों आत्महत्या करने लगी? इसलिए कि तुम कहती हो मेरा पति नहीं है और तुम माँ बनने वाली हो। माँ बनने वाली हूँ मैं? जानती नहीं? मैं माँ बनने वाली हूँ? हाँ। इम्पॉसिबल। इतना हंस क्यों रही हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं होता? डॉक्टर भी तो कह गया है तुम्हें बच्चा होने वाला है। हाँ, डॉक्टर कह गया है। क्या तुम्हें खुद नहीं जान पड़ता? क्या हुआ, घबरा क्यों रही हो? घबराने की कोई बात नहीं है बेटी, बच्चा तो भगवान की देन है, मैं उसे पालूंगी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। इसे मार डालो, इसे मार डालो। नहीं, ये मुझे खत्म कर देगा, ये मुझे खत्म कर देगा। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। इसे मार डालो, इसे मार डालो, मैं कहती हूँ उसे मार डालो। पर नहीं, ये मुझे खत्म कर देगा, ये मुझे मार डालेगा। तू इसे नहीं मार सकती, नहीं मार सकती। मैं इसे मार डालूंगी, मैं इसे मार डालूंगी। इसे मार डालो, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए।
मैं कहाँ हूँ? यह अस्पताल तो नहीं, मैं यहाँ कैसे आई? तुम तो आप ही आ पाई। आप ही आ पाई? क्या भूल गई? बरसात में भीगती भीगती आई। कैसी अजीब लड़की है। बरसात में जाती तो क्या होता, हजार दफे मना किया। मैं बरसात में भीगती भीगती अकेली आई थी। हाँ, मैंने दरवाजा खटखटाया था। हाँ, तो ये सब सच है, सपना नहीं, सच है। वो लोग ठीक ही कहते थे, मैं रात को उठ के नाचती, क्लबों में घूमती फिरती हूँ। भगवान, मैंने किसी को क्या बिगाड़ा जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे मिल गई। मुझे जाना चाहिए। कहाँ जाओगी? अपने घर, अपने पति के पास। अकेली कैसे जाओगी? नन्ही सी जान का तो ख्याल करो जिसे तुम जन्म देने वाली हो। नन्ही सी जान? मैं जन्म देने वाली? मुझे जाना चाहिए, फौरन जाना चाहिए। सुनो सुनो तो। माँ जी, माँ जी, बहू जी आई है। बहू? वरुणा है? जी हाँ, जी हाँ। तू यहाँ क्या करने आई है? माँ, चल दूर हट, मेरे पाँव को हाथ ना लगा। माँ, ये क्या कह रही हैं आप? क्यों ना कहूँ, मेरे मुंह पर और कालिक पोतना बाकी है जो पूरा करने आई है उसे। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया माँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। चल हट, मैं नहीं जानती कुछ माफी चाफी। इतना जानती हूँ कि घर की बहू बेटी एक बार घर से बाहर कदम निकाल दिया फिर उसे घर में कोई जगह नहीं। चली जाए यहाँ से। कहाँ जाओ? कहाँ जाऊँ, जहाँ गई थी मुझसे पूछ कर गई थी। अब मैं इस घर के आसपास तेरी परछाई भी नहीं देखना चाहती। मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। बहुत सता लिया तूने मेरे बेटे को, अब कान खोल के सुन ले। मैंने शीला को शिमला से बुला लिया है और अगले हफ्ते अपने बेटे की उसके साथ शादी कर रही हूँ। समझ गई हो? सुन लिया? चली जा यहाँ से, जा। नहीं नहीं माँ, ऐसा ना करो, मुझ पर रहम करो। मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? सारे दुनिया भर का पाप लेकर मेरे बेटे के सिर थोपने आई है? चली जाए यहाँ से। मुझे एक बार उनसे मिल लेने दीजिए। वो तुझसे नहीं मिल सकता, मेरे बेटे को फिर फुसलाना चाहती है। दरबान, इसे धक्के मार के बाहर निकाल दो और दरवाजा बंद कर दे। भूल गई ये क्या करती हो? मैंने कहा प्रताप को आ जाने दो। तुम चुप रहो जी, प्रताप को आ जाने दो। ऐसी कुलच्छनी और कलंकनी को मेरे घर में जगह नहीं है। लेकिन ये तो सोचो, ऐसी हालत में बेचारी जाएगी कहाँ? जहन्नम में जाए, कहीं भी जाए, मुझे इससे क्या, मेरा कोई संबंध नहीं इससे। दरबान, दरवाजा बंद कर दे। अरे मगर सुनो तो। Thank you.
कल मैं अपने रजिस्टर में क्या लिखूंगा? पुलिस इंक्वायरी होगी, जांच होगी, आप लोग इस तरह जा नहीं सकते। ये अच्छी मुसीबत है, होम करते हुए हाथ जलाने वाली बात है। मैं ये सब कुछ नहीं जानता। जब आप लोगों को कुछ मालूम नहीं तो यहाँ भर्ती करवाने क्यों ले आए? बेचारी सड़क पर बेहोश पड़ी थी तो क्या देख कर भी कुछ न करते? भलाई के बदले क्या कत्ल का इल्जाम लगाओगे? वो होश में आ जाएंगी तो खुद अपना नाम पता बता देंगी। हम लोग को जाने दीजिए साहब, मैं कुछ नहीं कर सकता। लो डॉक्टर साहब आ गए, इन्हीं से बात कर लो। क्या बात है? डॉक्टर साहब, ये लोग एक औरत को ले आए हैं, कहते हैं ट्रक से टकरा के गिर पड़ी है, नाम और पता कुछ मालूम नहीं। कोई ज्यादा चोट तो नहीं? जी नहीं, सिर्फ मामूली सा लगा हुआ है और बेहोश पड़ी हुई है। चलो चलो, पहले मैं उसे देखता हूँ। आइए। हम लोग जाएं साहब? नहीं, तुम लोग ठहरो। ये देखिए डॉक्टर साहब, ये है। क्या बात है डॉक्टर साहब? मैं इन्हें पहचानता हूँ। मैं डॉक्टर डे की अस्पताल में जब काम करता था ना, तब ये वहाँ पेशेंट थी। पेशेंट? तब तो आप इनका नाम जानते ही हो डॉक्टर साहब। हाँ हाँ, वरुणा, पेगी, लिली, रोजी, एनीथिंग। प्लीज डोंट राइट, मैं डॉक्टर डे को फोन करता हूँ। डॉक्टर डे, डॉक्टर डे, डॉक्टर डे, डॉक्टर डे। प्रताप जीते रहो बेटा, मुझे तुम्हारा केबल जी नंबर हॉस्पिटल मिला। मेरा घुटना उखड़ गया था, जैसे ठीक हुआ पहले जहाज से आ गया हूँ। वरुणा कैसी है? जी वो तीन चार दिन तो खैर हम लोग बहुत परेशान हैं, मगर अब होश में आ गई, खतरे से भी बाहर हैं। बस ये है कि गुमसुम रहती हैं, कुछ याद नहीं है। मेरा ख्याल है कि कंप्लीट एमनीशिया है। आप हैं डॉक्टर अल्वारिस? माय फादर इन लॉ। डॉक्टर अल्वारिस, डॉक्टर अल्वारिस, कैन आई सी? खैर आप मिल तो सकते हैं, मगर मेरा ख्याल है कि इस प्रेजेंट कंडीशन में शायद वो आपको भी न पहचाने। खैर कोई बात नहीं, आइए मैं मिला देता हूँ। आइए। थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर। वरुणा तबीयत कैसी है? बेटी, बेटी मैं तुम्हारा पापा हूँ। तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैंने आपसे कहा था ना, टोटल एमनीशिया, आपने देख लिया? डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर चलें। आइए तशरीफ भाई, प्लीज। प्रताप, याद है तुमने एक बार कहा था कि तुम लोग पिकनिक पे गए थे और वहां भी इसी तरह से पत्थर लुढ़कता हुआ देखकर वरुणा की यही हालत हुई थी? जाम, बिल्कुल इसी तरह चीख कर आंखें बंद कर ली थी और उसके बाद सर में दर्द शुरू हुआ और आज फिर वही बात हुई। मेरे ख्याल में यह आता है कि शायद ऊंचाई से गिरती हुई किसी चीज के साथ वरुणा की जिंदगी का कोई अहम वाकया जुड़ा हुआ है। तुम मुझे सिलसिले में कुछ बता सकते हो? जी नहीं। सर, वरुणा आपकी इकलौती बेटी है ना, तो उसके बचपने के तो काफी वाकयात आपको याद होंगे। कभी कोई ऐसी घटना हुई थी या कभी उसने ऐसी घटना का जिक्र किया आपसे? अभी तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकता क्योंकि वरुणा मेरे साथ बोलती नहीं थी, वो मुझसे डरती थी। डरती थी? ऐसा क्यों? देखिए बात दरअसल ये है कि वरुणा की जो आज हालत है ना, इसकी बुनियाद उसके बचपने में पड़ चुकी होगी। ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि आप आ गए, और किसी को तो बचपने के वाकयात याद नहीं है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप उसके बचपने के सारे वाकयात साफ साफ मुझे बता दें ताकि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। प्लीज डोंट हाइड एनीथिंग, इट विल हेल्प हर केस। डॉक्टर साहब,
वरुणा का बचपन तो उसकी माँ के साथ ही गुजरा। जब उसकी माँ का देहांत हो गया तब वो मेरे पास आई, उसको 17-18 साल की हो चुकी थी। ओ, तो आपकी धर्मपत्नी और वरुणा आपके साथ नहीं रहती थी? 7-8 साल तक थी, उनके हमारे ख्यालात नहीं मिलते थे। मैं वरुणा को प्यार करता था, चाहता था कि उसे लिखाऊं पढ़ाऊं, लेकिन वो इस बात के खिलाफ थी। वो ये समझती थी कि घर की लड़की लिख पढ़ जाएगी तो खराब हो जाएगी। उन्होंने उसका बचपन ही घोट दिया, हर वक्त उसे घर में बंद रखती थी। मैंने लाख समझाया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार एक दिन उसे वो लेकर चली ही गई। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई थी? कोई झगड़ा हो गया था क्या? डॉक्टर साहब, आप तो जानते ही होंगे, जिस घर में ऐसी औरत हो वहां की घरेलू जिंदगी क्या हो सकती है। वरुणा मुझसे खींचने लगी, मैं परेशान रहने लगा, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा और मैं हारने लगा। इसी तरह एक रात की बात है। हमारे 25,000 ये रहे सेठ, अब जरा मोतियों के हार की झलक दिखाइए। पहले जीतिए, पत्तों की झलक दिखाओ। खोलिए। हाँ, खोलिए, खोलिए। भी खोलूं? क्यों, क्या हो गया? हार लाओ ना, ये माल तो मैं समझता हूँ। और जाइए आज, क्यों मंगलदास? अरे क्या हो गया सांप सूंघ के हरिराम? अरे भेजो इन्हें अंदर, ना मोतियों का हार। घबराने की कोई बात नहीं, हार अभी आता है। हाँ सेठ जी, बात के धनी है, भी ले आएंगे हार। तुम बातों से पेट नहीं भरता है सेठ, हार लाइए। ले आएंगे हार भी, देखो लाएंगे पत्थर के लिए। अलमारी की चाबी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। तुम होश में नहीं हो, तुमने शराब पी है, तुम जुआ खेलते हो, तुम आते बाहर की औरत घर ले आओ, मैं भी नहीं दूंगी। नहीं, चाबी दो। नहीं दूंगी चाबी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी चाबी दो। नहीं, देखो मेरा कहना मान लो, ये मैं बहुत बुरा हूँ। नहीं चाबी, नहीं दूंगी चाबी, नहीं दूंगी मैं। पापा, पापा, नहीं, नहीं दूंगी, उसी रात वो वरुणा को लेकर चली गई। सालों गुजर गए, मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि ये लोग हैं कहाँ। एक दिन इत्तेफाक से अखबार में पढ़ा कि एक जमुना नाम की औरत एक्सीडेंट से शिमले मर गई। बस मैं वहां गया तो वो मेरी बीवी ही थी, और मैं वरुणा को अपने साथ ले आया। प्रताप, अब वरुणा की याददाश्त वापस लाने का सिर्फ एक तरीका है, वो भी एक चांस की बात है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मगर कोशिश करके क्यों ना देख लें। फरमाइए। वरुणा को शिमला ले जाना होगा, उसी जगह पर जहां वो अपनी माँ के साथ रहती थी। हो सकता है पुरानी चीजें देखकर याद ताजा हो जाए, ऐसा होता है ना कि एक चीज को देखकर और भी चीजें याद आ जाती हैं। हो सकता है कि बचपने का कोई वाकया याद आ जाए और हमें क्लू मिले, हमें मदद मिले। जो आप मुनासिब समझे। वेरी गुड।
यहाँ तुम आके खाट थे, ये सामान किसने बदल दिया? अरे माँ की पूजा का सामान कहाँ गया? और लक्ष्मी जी की तस्वीर, तस्वीर कौन ले गया? कौन हो तुम? आप कौन है? मैं? मेरा घर है ये। आपका घर है? ये तो मेरा कमरा है, यहाँ तो मैं कई सालों से रहती हूँ। वरुणा जी, यही रहती हो? पेगी कौन है? पेगी? हाँ। पेगी मेरी सहेली है, एक बहन तो मेरी सहेली है, वो सामने रहती है, ठेड़ी में बुलाती हूँ। हाँ, माफ कीजिएगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। पेगी, पेगी। पेगी है, जरा उसे बुलाइए। वो तो बैंगलोर में है आजकल, उसका हस्बैंड इंजीनियर है हुआ, कभी कभी आते हैं वो लोग। तुमको पता नहीं था उसकी शादी को तो 5 साल हुआ। 5 साल? 5 साल कैसे बीत गए? मेरा ख्याल है पेगी तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त होगी। हाँ, तुम लोग साथ घूमने फिरने जाया करते होगे, खेलते कूदते होगे, खूब अच्छी बनती होगी एक दूसरे में। खेल कूद? जी जी, जिस दिन से माँ मुझे यहाँ लेकर आई, हर वक्त इसी कमरे में बंद रखती थी। मेरा किसी से मिलना जुलना, बातचीत करना मना था, यहाँ तक कि घर की दरवाजे खोलना भी मना था। तो पहली बार तुम्हारी पेगी से मुलाकात कैसे हुई थी? पेगी? हाँ, याद करो, तुम पेगी से कब मिली थी, कहाँ मिली थी, कब मिली, कैसे मिली थी? कैसे मिली? पहली बार तुम्हारी मुलाकात पेगी से कैसे हुई? हाँ, याद आया। एक दिन माँ मुझे इस कमरे में बंद करके बाजार चली गई। सामने से म्यूजिक की आवाज आई। माँ घर में नहीं थी ना, इसलिए मैंने हिम्मत की और सामने का दरवाजा खोल दिया। मेरा नाम पेगी है, तुम्हारा? वरुणा। ओ, तो तुम ही वरुणा हो। तुम्हारी माँ को मैंने कभी कभी यह नाम पुकारते हुए सुना है। तुम पढ़ने नहीं जाती, खेलने के लिए बाहर तक नहीं निकलती हो, हमेशा घर में बैठे बैठे क्या क्या करती हो? कुछ नहीं, तुम तो बहुत अच्छा नाचती हो। थैंक यू। तुमको नाचना आता है? नहीं। सीखोगी? मैं कैसे सीख सकती हूँ? क्यों, यह तो बहुत आसान है, तुम मेरे घर आया करो, मैं सिखा दूंगी तुमको। बाय बाय। क्या कर रही है? अब पता चला कि अक्सर तू बिस्तर से उठकर कहाँ जाया करती है, क्या देख रही थी वहाँ? चल सो जा। मुझे नींद नहीं आती। क्यों? वहाँ बाजा बज रहा है ना। कानों पर हाथ रखकर सो जा। माँ, पेगी कितने मजे में रहती है, उसकी मम्मी डैडी कितने अच्छे हैं, वो खेलती है, कूदती है, नाचती है। मेरा जी चाहता है मैं भी वैसी करूँ। नहीं, ये सब नहीं करना है, नाचना गाना अच्छी लड़कियों का काम नहीं है। क्यों? मैं जो कहती हूँ। अच्छी लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती, किसी से बात नहीं करती, खेलती नहीं, नाचती नहीं, तो मुझे अच्छी लड़की नहीं बनना है। चुप है, चल सो जा। धीरे धीरे हम दोनों सहेलियां बन गईं। वो मुझे स्कूल की बातें, पिकनिक और सैर सपाटों की बातें सुनाती और मैं मन महसूस कर रह जाती। एक दिन माँ ने देख लिया। मैंने तुझे मना किया था ना किसी से बात मत करना, फिर क्यों बोल रही थी उससे? देखो जी, अपनी लड़की को मना कर दो,
मेरे लड़के से बात ना किया करें। बात कर रही थी तो क्या हुआ? बच्चे आपस में बात नहीं करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे नहीं, अजीब पागलपन है। बच्ची को हमेशा घर में बंद करके रखती हूँ, तुम माँ हो या लड़की की दुश्मन? हम दोनों जवान हो गए और चोरी छुपे मिलते रहे। मुझ पर माँ की निगरानी और भी सख्त हो गई। उस रोज क्रिसमस था, पेगी ने अपनी खिड़की पर आकर न जाने क्यों मेरा दिल हर वक्त चाहता था। शिमला क्लब में बहुत बड़ा जलसा था, मैं वहां छुपते छुपाते जा पहुंची। बढ़ा चला आ रहा है, वो मेरा हाथ बार बार पकड़कर खींच रहा था। न जाने क्यों शायद वो चाहता था कि मैं उसके साथ नाचूं। नाचने को तो मेरा दिल भी चाहता था, लेकिन माँ की डांट याद आ जाती, मैं उससे हाथ छुड़ाकर भागी। मैं सहमी सहमी डरी डरी चली जा रही थी। इतने में मैंने देखा माँ मुझे ढूंढती हुई चली आई। मेरा तो जैसे दम ही निकल गया। माँ ने कहा? कहाँ गई थी? मैंने तुझे मना किया था ना, घर से बाहर कदम मत रखना। क्यों गई थी? माँ मैं नहीं जाऊंगी, अब मैं कभी नहीं। मेरी बेटी नहीं, मेरी बात से मैं तेरा वो भी देखे नहीं। माँ क्या हुआ? माँ माँ
कॉर्नर की रिपोर्ट मिल गई, इसको पढ़ो। इससे साफ जाहिर होता है कि वरुणा ने अपनी माँ को नहीं मारा, इनकी माँ हार्ट फेल से मर गई। गिरने से पहले उनको दिल का दौरा पड़ चुका था और दिल का दौरा पड़ने की वजह से ही वो गिरी है। वरुणा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुमने अपने आप को अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार समझा। तुमने ये सोचा कि तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया है और जितना तुम ये सोचती गई उतना ही अपने आप से नफरत करती गई, यहां तक तुमने वरुणा को मार डालना चाहा। मगर साथ ही साथ एक और जिंदगी थी जो बचपन से तुम्हारे दिल को लुभाती रही। ऐसी जिंदगी जहां तुम्हारे ख्याल से कोई गम नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी, कोई अफसोस नहीं था, कोई बंदिश नहीं थी। मां खुशियां ही खुशियां थी, बेइंतहा खुशियां। और वो जिंदगी थी पेगी की जिंदगी, जहां तक तुम्हारी मां ने तुम्हारी भावनाओं को दबाने की कोशिश की, तुम्हारे अरमानों को कुचलने की कोशिश की, तुम्हारी ये इच्छा और बढ़ती चली गई कि तुम पेगी की तरह रह सको। इसका नतीजा ये हुआ कि तुम्हारे दिमाग में पेगी की एक जुदा शख्सियत पैदा हो गई। शरीर तो दिमाग का गुलाम होता है, इसीलिए कभी तुम वरुणा बन जाती थी और कभी पेगी। न वरुणा को पेगी का पता चलता था और न पेगी को वरुणा का। अब समझी तुम? तो बस अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। वरुणा उठो, अपने पापा से मिलो। वरुणा आओ बेटी। बेटी अपने बाप को माफ नहीं करोगी? आज कितने बरसों के बाद तुमने मुझे पापा कह के मिली हो। पापा आप रो रहे हैं, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा, आप खुश नहीं क्या? हाँ बेटा मैं बहुत खुश हूँ, ये खुशी के तो आंसू है। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि तुमने मेरी वजह से बहुत दुख उठाया। माँ बाप की गलती, उनकी जिद की वजह से तुम्हें ये सब सजा मिली, माफ कर देना। पापा पापा चलिए घर चलें। अब तो